जय श्री राम लाडलो, कैसे हैं आप सब। तो भाई उठ चुके हैं, हम अभी उठे हैं भाई। पहले आर्यन और मोहित को फ़ोन करा कि भाई चल रहे हो क्या जिम। फिर भाई मोटे का भी वो ना जाए आंशिक भाई, तो कॉलेज में है अभी, उन्हें कुछ काम है भाई, 5-6 दिनों के लिए वही हैं, आपको बाद में बताते हैं। अभी चल रहे हैं हम नीचे, पहले पियेंगे गर्म पानी, फिर होंगे हम फ्रेश। तो भाई चलो चल रहे हैं नीचे। तो भाई लाइट जलने दो यहाँ की, और देखो भाई कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर लाइट लगाएंगे भाई, और वहाँ पर भाई कबूतर बैठते थोड़े से। चलो भाई नीचे चल रहे हैं हम। देखो भाई यहाँ पे चाना हो खड़ी हमारी स्कूटी। तो भाई लाइट जलाते हैं। तो भाई हमने जला लिए लाइट फिलहाल, और भाई हमारी स्कूटी हो चुकी है फुल चार्ज। ये भी भाई देखो ग्रीन लाइट इस पर, तो ये बंद कर देते हैं स्विच, और अभी पीते हैं पानी। तो भाई हम आ चुके हैं किचन में, हमारा ओपन किचन है भाई एकदम। लाइट जला लेते हैं ज़्यादा से, जितनी ज़्यादा लाइट होगी इतने ज़्यादा हम चमकेंगे। और ये रहा भाई अपना इंडक्शन, और ये रहा अपना बर्तन, पानी गर्म करते हैं चलो। तो भाई हमने तो अपने गिलास में, भाई हम इतना पानी पीते हैं इसलिए अपना नाप के इसमें रख लिया हमने पानी, और अपना चला लेते हैं इंडक्शन। भाई इंडक्शन का फ़ायदा ये है कि इसमें पानी फटाफट गर्म हो जा, और दूसरी चीज़ साइड से जो पकड़ने का होता वहाँ से वो गर्म नहीं होता ज़्यादा, ठीक ठाक हो जाता। बाकी अपना नॉर्मल पानी करके भाई पानी पीना चाहिए सुबह गर्म। भाई जिम में तो ठंडा ही पिया हूँ, वैसे जब आंसे की बोतल ले जाते तो भाई गर्म पानी पी लेते। चलो कोई नहीं। ऐसे डुबो के हाथ चेक करो जाओ भाई, पहले हाथ धो लेने चाहिए डुबोने से पहले। भाई पानी बैठ के पीना चाहिए, और हम बैठ के और हम पानी पीते हैं। अब चल रहे फ्रेश होने के लिए, और आपको मिलते थोड़ी देर बाद। वहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकते, अगर फ़ोन ले जाते तो मैं दिखा देता। अभी मिलते हैं 5 मिनट बाद आपको। तो लाडलो हम हो चुके हैं फ्रेश, अभी हम चल रहे जिम। पहले गेट खोलते हैं भाई हम अपना, मौसम दिखाते हैं भाई आपको कैसा हो रहा है मौसम बाहर का। डबल सेफ्टी भाई। भाई 6 बजे अपना थोड़ा दिन सा निकल जा, देखो भाई तो जाने में प्रॉब्लम ही होती, वरना भाई पहले ना जब मैं जागरूक था तो भाई अंधेरा रहा होता, तो डर सा लगा था। शेर का भी रुका पड़ रहा था, शेर का रुका तो खैर अब भी पड़ रहा, तो भी टी शर्ट पहनते हुए भाई चलते फटाफट से। हमने टी शर्ट अपनी स्कूटी पर रख रखी है ये भी। तो भाइयों भी हम जूते पहरेंगे अपने, शू पहन के, और भाई स्कूटी निकाल के बाहर चल रहे। भाई लेट हो चुके काफ़ी, ये हमारे शू इनको ही पैर कर जाऊँगा भाई। हम बैठ के बैठते हैं भाई आराम से, फिर चल रहे आपको जिम में मिलते हैं, या फिर वापस घर आके मिलते हैं। देखो भाई 6 बजे कितना दिन निकल जाए, और भाई रास्ता अब भी सुनसान रहो, कोई घूमने भी नहीं आता यार। और भाई ये रहे हम चल दिए भाई, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है भाई थोड़ा थोड़ा अब भी, लेकिन ठंड तो गई नहीं यार अभी। हम चल रहे हैं जिम भाई, मोहित और इंतजार कर रहे होंगे भाई। चलो भाई चलो, भाई ठंड भी अभी पीछा नहीं छोड़ रही यार। भाइयों इस रोड को तो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत पहले से। पहले ये वाला रास्ता बनता, उधर वाला खुल रहा था, अब ये वाला खुल गया भाई देखो ऐसे करके, और भाई वो वाला बंद है अब दूसरा वाला। देखो भाई पता नहीं क्या बन रहा है भाई, सो तो डर लगा चलाते हुए भाई। और भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो इधर नहीं आए, उनका फ़ोन तो आया नहीं, अगर वो पहुँच जाते जिम तो फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन तो आया नहीं। अब देखते हैं जाके आए नहीं। चलो भाई A few moments later. भाई लाडलो धूप निकल चुकी है, और भाई ये रहे हम भाई जिम से आ गए अब, और भाई 8 बजने वाले हैं, और भाई अभी घर चल रहे हैं नहाते धोते। भाई फिर हमें पेडे ठोकने के लिए जाना, जो पेडे लगाए थे। भाइयों हम पहुँच चुके हैं घर, और भाई घर पे नहीं है कोई भी फिलहाल, क्योंकि मम्मी जी मंदिर गई है, अंशिका शायद किट्टो घुमाने के लिए गई है, और भाई हम ही फिर रहे हैं यहाँ पे। देखो मेरे अभी भाई हम अपने शू निकाल देते हैं भाई यहाँ पे। भाई जिम में तो आ गए थे आर्यन और मोहित, और भाई फिर हमने अपने सेट वेट लगा के एक्सरसाइज करके ख़त्म, फिर हम पहुँच लिए घर। अब भाई सीधा नहाएंगे, फ्रेश होने की टेंशन नहीं है, क्योंकि सुबह फ्रेश होके गए थे। और भाई मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। किट्टो को देखते हैं कहाँ से है। चलो भाई किट्टो रानी आ चुके हैं भाई घर। ये रही देखो किट्टो रानी। और भाई हम नहाएंगे अब ठंडे पानी से मोटर चला के, एकदम जबरदस्त। हम हो गए हैं तैयार ना धो के भाई। अभी चल रहे हैं मंदिर। ये रहा हमारा लोटा, गंगा जल तैयार कर लेते हैं, मतलब ना दूध और भाई पानी जो भी हमें लेके जाना है। चलो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो भाई किट्टो को मिल चुका है चूहा। किट्टो चूहा नहीं मिला भाई। सुना ना चूहे के चक्कर में कपड़े वपड़े फेंक दिए, मतलब एक पैर में पहुँचा है एक में पहुँचा नहीं है। देखो लेकिन भाई जो बात कहने की सर चूहा मिल नहीं रहा और बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। देखो क्योंकि भाई वो तो कहीं भी घुस जा, छोटी सी जगह मगू। अरे यार इसके नीचे घुसना सोच रही किट्टो, इसके नीचे घुसेगी। तो भाइयों ना धो के खाना वाना खा के पूजा करके सब काम खत्म करके भाई अब आ गए हम खेत में। देखो भाई ये पेड्डे लग रहे, थोड़े से पेड्डे लगवाए थे 200 पेड्डे लगवाए थे। और भाई अब इनकी ठुकाई करेंगे। वैसे तो भाई ये बहुत गहराई में लगवाए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी ठुकाई कर लेंगे एक बार और फिर घर चल ले अपने। ठुकाई करके देखते कितना टाइम लगता है भाई। जब उधर के ठोकते थे ना वे वाले तो भाई हमें 2 घंटे लगे थे, 2-2.5 घंटे। आज देखते कितना टाइम लगता है। चलो गाइस मिलते हैं आपसे। हालत ख़राब हो जाए भाई और ठोकने में काफ़ी टाइम होगा भाई इनको लगे हुए, तो इनको भी ठोकना ज़रूरी है। और भाई काम तो करना ही चाहिए यार, कभी कभी खेत में आओ। और वो कभी कभी ऐसा बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए सारे काम करते रहना चाहिए खेत वेत के। अब भाई थोड़ा सा तो हम क्या करें। चलो गाइस चलते हैं, पहले माटी घेरते हैं फिर ठोकते हैं इनको। पेड़ाना इसमें माटी खोद दिया मैंने, ठोकेंगे ऐसा। वैसे तो इनमें बारिश हुई थी यहाँ से जब, तो पानी तो इनके अंदर चला गया था और साथ साथ माटी भी चली गई। जो हमने लगा था ना उसके 3-4 दिन बाद बारिश होगी तो भाई चली जा माटी थोड़ी बहुत ही, लेकिन जो थोड़े बहुत ही रह रहे हैं वो ठोक देंगे जिससे वो हिलाना पेड्डा। और इन पर टेप टाप लग रही है अभी तांडनी। लाड़ लो पेड्डे ठोक चुके हैं सारे। और भाई ये रहा यंत्र हमारा पेड्डा ठोकने वाला, मतलब पेड़ ठोकने वाला, ठीक है भाई। खुरपे से माटी घेर के फिर हमने ठोक के भाई ये। और अभी चल रहे हैं भाई हम घर, हालत ख़राब हो गई है। 2-2.5 घंटे हो गया मैं यहाँ पे, तो अभी घर की तरफ चल रहे, हाथ पैर धोएंगे भाई, फिर देखते हैं क्या होता है। वो खड़ी भाई हमारी स्कूटी, जब से यहीं खड़ी है भाई ये रही। और भैया बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, धूप हो रही है, ऊपर से मेहनत का काम, हाथों की ऐसी तैसी हो गई। और भाई सीट गर्म हो रही होगी इसकी बहुत ज़्यादा। हाँ भैया गर्म हो रही वो सीट, जड्डों बढ़िया, लेकिन भाई ठंड भी इतनी होगा।